और मनीषा रानी का आपने कंट्रोल से थोड़ा सुना होगा, हाँ। जो अनफॉलो किया था मनीषा रानी ने और एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं उनके फैंस, तो उस पर क्या कहना चाहूँगी? मुझे लगता है कि अगर कोई दोस्ती और रिश्ता इतना गहरा और रियल होता है ना, तो ऐसी छोटी मोटी फ्रिविलियस बातों पे वो टूटता नहीं या बिगड़ता नहीं। लेकिन अगर इतनी छोटी मोटी बातों पे वो लोग बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो रिश्ते रियल होंगे। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट। एलवी यादव को जेल भी हो गई थी, हाँ, उस पे क्या कहना है? उनके माँ बाप भी बहुत अपसेट थे, मुझसे देखा नहीं गया। इन द मोमेंट आई सॉ देम क्राइंग, इमीडिएटली मैंने उनके पेरेंट्स को रीच आउट करने की कोशिश की। एंड आई जस्ट बिलीव कि अभी ऐसा वक्त उसकी लाइफ में ना आए एंड थिंग्स गेट बेटर इन हिज लाइफ, और ऐसा फेस किसी की भी लाइफ में ना आए। एंड वो अपनी लाइफ के पीक टाइम पे है अभी, तो होता है ना, नज़र लग जाती है इंसान को, तो थोड़ा नज़र से बचो एल्विश, और खुद पर ध्यान दो और बुरी संगत से भी बचो।